आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट स्कीम, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, रियल एस्टेट और कई अन्य में निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश का क्षेत्र है जो कई लोगों को सबसे आकर्षक लगा है। इसकी लोकप्रियता का कारण उच्च रिटर्न की संभावना है जो इसे अनुमति देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार में निवेश की। कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि शेयर बाजार एक बहुआयामी दिग्गज है। शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले इतने सारे कारक हैं कि यह अनुमान लगाना असंभव है कि यह कैसे व्यवहार करेगा। शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, यदि कोई सावधान नहीं है तो शेयर बाजार के आकर्षक से उसे भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि शेयर बाजार में निवेश के लिए एक उचित अनुशासित दृष्टिकोण का एक निवेश के लिए अद्भुत काम कर सकता है, इसलिए शेयर बाजार में निवेश करते समय कुछ सुनहरे नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। निवेश के 10 बुनियादी नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना होमवर्क करें, यानी कि नेवर जंप ब्लाइंडली इनटू अ स्टॉक मार्केट। उचित शोध या अर्थशास्त्र की बुनियादी समझ के बिना शेयर बाजार में अंधाधुंध निवेश करना अपने आप के पैरों पर एक कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। शेयर बाजार में अपना पैसा निवेश करने से पहले शेयर बाजार कैसे काम करता है यह समझने में कुछ समय और प्रयास करें। शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले आर्थिक रुझानों और कारकों के बारे में भी जानें। किसी विशेष कंपनी में निवेश करते समय कंपनी के पिछले प्रदर्शन के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं पर कुछ शोध करना आवश्यक है। नो द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनीज इन विच यू इन्वेस्ट, यानी कि उन कंपनियों के बिजनेस मॉडल के बारे में जानें जिनमें आप निवेश करना चाहेंगे। आपको अपना पैसा केवल उन्हीं कंपनियों में लगाना चाहिए जिनके बिजनेस मॉडल को आप स्पष्ट रूप से समझते हैं। अच्छी रणनीतियों और स्पष्ट अनुमानों वाले व्यवसाय लंबे समय में आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए बाध्य हैं। अपना पैसा किसी ऐसे व्यवसाय में ना लगाएं जिसकी रणनीति आपको समझने में मुश्किल हो रही हो, यानी कि आपकी समझ से परे हो। नेवर टेक लोन्स, कभी भी कर्ज ना लें। शेयर बाजार में निवेश काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्टॉक को कितने समय तक रख पाते हैं। यदि आप निवेश करने के लिए पैसे उधार लेते हैं तो ऋण चुकाने की बात आने पर आप समय की कमी में फंस जाते हैं। हमेशा अपने अधिशेष धन को शेयर बाजार में निवेश करें, वो धन जिसे आप जानते हैं कि आपको तत्काल आवश्यकता नहीं है। इस तरह आप अपने स्टॉक विदहोल्ड क्षमता को सही समय तक बढ़ाते हैं। इन्वेस्ट स्मॉल एंड रेगुलर, छोटा और नियमित निवेश करें। जब शेयर बाजार में निवेश की बात आती है तो एक बार में एक बड़ी राशि की बजाय नियमित अंतराल पर छोटी रकम निवेश करना बेहतर होता है। सस्ता होने के अलावा छोटे निवेश भी आपको अपने निवेश के साथ लचीला होने की अनुमति देते हैं। स्टे अवे फ्रॉम टिप्स एंड रूमर्स, टिप्स और अफवाहों से दूर रहें। शेयर बाजार में निवेश अपने साथ हर तरफ से कर्कश बाजार युक्तियां और अफवाहें लेकर आता है। आपके मित्र और सहकर्मी विशेष स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए सुझाव देंगे, लेकिन इनमें से कई सिर्फ अफवाहें हैं। निवेश के सबसे महत्वपूर्ण सुनहरे नियमों में से एक, इनसे दूर रहना, क्योंकि ये सभी असत्य हो सकते हैं। बाजार के मूल सिद्धांतों पर अधिक ध्यान दें और आप सूचित निर्णय लेने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। बाय एंड सेल एट द राइट प्राइस, सही कीमत पर खरीदें और बेचें। स्टॉक को उन कीमतों पर खरीदना बहुत महत्वपूर्ण है जिनका भुगतान करने में आप सहज हैं। जब आप सहज ना हो तो आप उन शेयरों को नहीं खरीद सकते जिन्हें हर कोई खरीद रहा है। अपने रास्ते में कुछ बेहतर आने की प्रतीक्षा करें। साथ ही जब आपको लगे कि आप अपना स्टॉक बेचना चाहते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो ऐसा करें। कीमत के कुछ और बढ़ने की प्रतीक्षा करना प्रति सहज ज्ञान युक्त हो सकता है। जब शेयर खरीदने या बेचने की बात आती है तो इससे आपको एकदम निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कंट्रोल योर इमोशंस, अपनी भावनाओं को वश में करें। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपने पैसे को नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको बहुत सफल निवेशकों की कहानी सुनी होगी। यह आपके दिल की दौड़ को निर्धारित करेगा और आपको अपने स्वयं के निवेश के बारे में चिंतित करेगा। जब आप शेयर बाजार को लाइव देख रहे होते हैं तो आप एक भीड़ का अनुभव करेंगे। भावनात्मक रूप से परेशान होने पर कोई निर्णय ना लें। भावनात्मक उथल पुथल को पास होने दें और फिर आपके पास मौजूदा डेटा के आधार पर निर्णय लें। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। समग्र जोखिम को नियंत्रण में रखने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में विविधीकरण है। संपत्ति और उपकरणों के दोनों के मामले में विविधता लाएं। कहावत याद रखें, डोंट पुट
ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, यानी कि अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स, अपने निवेश को ट्रैक करें। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां वित्तीय बाजारों में व्यवधान बहुत तेजी से दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। बाजारों की निगरानी करें और नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो का प्रभाव का विश्लेषण भी करें। जिसे कभी सुरक्षित माना जाता था वो अब सुरक्षित नहीं हो सकता और आपको अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता हो सकती है।